नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्मार्ट ग्रिड के बारे में कि स्मार्ट ग्रिड क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम आज के ऐसे युग में रह रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। हमारे पास स्मार्ट होम से लेकर स्मार्ट फ़ोन, स्मार्ट कार, सारी चीज़ें स्मार्ट हो गई हैं। और इन सब के पीछे क्या है, इन सब दृश्यों को जो हम देख रहे हैं, इन सब के पीछे क्या है, इनको कौन, इन उपकरणों को कौन शक्ति प्रदान करता है, और इनकी सफलता के लिए रीढ़ की हड्डी कौन बना हुआ है, वो है हमारा स्मार्ट ग्रिड। तो आज की इस वीडियो में हम स्मार्ट ग्रिड के बारे में डिटेल से जानेंगे। जैसे जैसे हमारी दुनिया ने डिजिटल युग में प्रवेश किया है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड का भी विकास हुआ है। और अब ये जो नॉर्मल ग्रिड होते थे, पावर ग्रिड होते थे, वो बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। उनमें बहुत सारे चेंजेज आए हैं टाइम के हिसाब से। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चेंजेज के बारे में जानेंगे और इस स्मार्ट ग्रिड के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि जब आप एक आउटलेट में, पावर आउटलेट में प्लग करते हैं, तो आप एक जटिल उपकरणों के जटिल नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। आप एक तरह से ग्रिड के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं अपनी दैनिक जीवन को चलाने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग इस के बारे में नहीं जानते हैं। तो बिजली संचरण का ये जो स्मार्ट ग्रिड होते हैं, बिजली संचरण का मास्टर होता है जो ऑटोमेटिकली वर्क करता है तथा निर्बाध रूप से जो है बिजली प्रदान करने का काम करता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और स्मार्ट ग्रिड के बारे में देखते हैं। स्मार्ट ग्रिड जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्कों से जुड़ा हुआ होता है। बहुत सारे इक्विपमेंट इससे कनेक्टेड होते हैं। जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें तथा हमारे घरों तक जितना भी नेटवर्क होता है, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, वो सारे स्मार्ट ग्रिड से कनेक्ट होते हैं। और वो हमारे घरों तक, हमारे जो भी चीज़ें हम इलेक्ट्रिक से यूज करते हैं, वहाँ तक शक्ति प्रदान करने का काम करते हैं। और ये सब ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड होते हैं। आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क होता है जो पूरे सभी जगह फैला हुआ है तथा अलग अलग लोकेशन में इस तरह से जनरेशन प्लांट लगे हुए होते हैं जो हमारे स्मार्ट ग्रिड को पावर देते हैं तथा ये ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से ये पावर स्मार्ट ग्रिड तक पहुंचती है। ये ट्रांसमिशन लाइनों का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जो सभी जगह फैला हुआ होता है। इस तरह से आप अगर देखेंगे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, ये बहुत सारे जनरेटिंग प्लांट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे ट्रांसमिशन लाइनों के थ्रू हमारे स्मार्ट ग्रिड से कनेक्ट होते हैं तथा ये स्मार्ट ग्रिड जनरेटिंग स्टेशन से पावर लेके हमारे घरों तक पहुंचाते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं जो आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों के घरों के आसपास। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है। तो इसको आप इस पिक्चर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस तरह से पावर हमारे घरों तक पहुंचता है। स्मार्ट ग्रिड का जो प्रमुख फैक्टर है, मेन फैक्टर है, वो है दो तरफा संचार, जो उपयोगकर्ताओं तथा उपयोगताओं को अपने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने की अनुमति प्रदान करता है। स्मार्ट ग्रिड के अगर एडवांटेज की बात करें, इसके लाभ के बात करें, तो स्मार्ट ग्रिड ग्राहक और उपयोगता स्वामित्व वाली जो अच्छे ऊर्जा के एकीकरण को आसान बनाता है, जो सोलर है और विंड है, जो प्लांट है, उनको कनेक्ट करने का, ग्रिड से कनेक्ट करने का काम करता है तथा जो है रिलायबल सप्लाई प्रदान करने का काम करता है तथा आपात स्थिति में जो है
विश्वसनीयता और लचीलापन बढ़ा है स्मार्ट ग्रिड के आने से, तथा जो है ब्रेक डाउन के टाइम में तेजी से बिजली की बहाली हो पा रही है स्मार्ट ग्रिड की वजह से, तथा ग्राहकों को कम लागत में बिजली मिल पा रही है, तथा सुरक्षा खतरों के खिलाफ संरक्षण मिल रहा है, जो सेफ्टी के खतरे थे उससे कहीं ना कहीं सुरक्षा मिल रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रीशियन अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल का बटन दबा लें, जिससे कि आपको इस तरह के इलेक्ट्रिकल के ज्ञानवर्धक वीडियो मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।